राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, उस वजह से केजरीवाल ने अपना धरना खत्म किया है। ये धरना किस लिए रखा गया, इस धरने का क्या मकसद रहा, ना तो केजरीवाल को पता है ना हमारे दिल्ली की जनता को पता है, और अगर जो उनको पता है वो बता भी नहीं रहा। और बीजेपी ने भी सेम धरने पे धरना, एयर कंडीशन धरने के ऊपर एयर कंडीशन धरना रख दिया। तो इस धरने का असल में मकसद क्या था? इस धरने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था विशुद्ध रूप से कि वो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर अपनी विफलताओं को छिपाना चाहते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि अपनी विफलताओं पे पर्दा डाला जाए और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप धरना पॉलिटिक्स जो है अपनी सारी विफलताएं खत्म करते हैं। अब जो है किस वजह से वो धरने पे बैठे, क्या उनकी कोई डिमांड पूरी हुई, किस लिए वो उठे, उनके दो मिनिस्टर्स इतने बीमार हो गए कि स्ट्रेचर पे वो लोग वहां से जाना पड़ा और ऐसी जादू की छड़ी हॉस्पिटल में चली कि वो एकदम से उछल करके ठीक हो गए और कुछ ही घंटों के अंदर उछल करके इंटरव्यू लंबे लंबे देने शुरू हो गए। तो जब इतने उनकी तबीयत ठीक थी कि कुछ ही देर के अंदर जो है वो इंटरव्यू पूरे लंबे लंबे देने लगे, तो स्ट्रेचर पे उठा करके उनको क्यों लेकर के गया? और ये पूरी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत है, दोनों के दोनों अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये धरना पॉलिटिक्स हो रही है और दिल्ली की जनता इसमें पिस गई है। पिछले 10 दिनों के अंदर पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर कोई विकास, कोई डेवलपमेंट, कोई भी किसी भी प्रकार से जनता के हित में काम नहीं हुआ। पीने के पानी को लेकर के पूरी दिल्ली में त्राही हुई हुई है, हमारे पानी को लेकर के टैंकर के झगड़े में लोगों की जाने जा रही है, दिल्ली के अंदर बिजली के अघोषित कटौती दिल्ली के अंदर हो रही है, वायु प्रदूषण है तो दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक तौर के ऊपर जो है वायु प्रदूषण दिल्ली के अंदर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ ये धरना एयर कंडीशन में बैठ करके कर रहे हैं और सियासी रोटियां सेक रहे हैं ताकि लोग इनसे इनके विफलताओं के बारे में सवाल ना पूछा। खत्म इसलिए कर दिया कि अब आप लोग जो है उनको दिखाओगे नहीं, खत्म इसलिए कर दिया कि अब मीडिया उनको दिखाएगी नहीं, क्योंकि अब कश्मीर का मसला आ गया। अब कश्मीर का मसला जब आ गया तो कश्मीर ने जब राष्ट्रीय राजनीति के अंदर आगे प्रेफरेंस ले ली तो इसके बाद में इनको कौन दिखाएगा? इसलिए जब ये कोई दिखाएगा नहीं तो ये बैठेंगे। इनका कभी भी अपनी मांगों के प्रति कोई भी इनको करने मांगे पूरी करने के प्रति इनका कभी भी समर्पण नहीं था। इनका केवल और केवल अपनी पब्लिसिटी दिखाने का था। जब उनको लगा कि अब पब्लिसिटी नहीं होगी, अब दूसरे मसले बड़े मसले आ गए, तो ये लोग चुपके से कट लिए। दोनों इस दौरान आप लोग का स्टैंड ये रहा कि आप और बीजेपी मिले हुए हैं, अब आप लोग इस चीज को दिल्ली के घर घर तक ले जाएंगे, हमारा तो क्या पूरी रणनीति है? हमारा जो है शुरू से ये कहना है कि केजरीवाल और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, इसलिए हमने ये पैम्फलेट एक तैयार किया है, केजरीवाल बीजेपी का सच, जानना आपका हक। इसके अंदर हम लोग ये बता रहे हैं कि कैसे मोदी और केजरीवाल दोनों सरकारें अपने अपने वायदों में विफल रही, कैसे दोनों के दोनों मिले हुए हैं। हमने 11 इंस्टेंसेस दिए हैं जहां पर ये दोनों ने एक दूसरे की मदद करी है और वैसे दिखाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। और साथ में कांग्रेस पार्टी ने अपने 15 वर्षों में हमने समझदारी वाली डेवलपमेंट करके क्या क्या काम दिल्ली में करे बगैर लड़े झगड़े और ऐसे टाइम पे भी जब हमारे को काम नहीं करने दिया जाता बावजूद उसके। इस पर्चे में क्या है सर? और ये सारी चीजें हैं इस पर्चे में, जैसे मैंने चारों पांचों चीजें बताई हैं, सारी इस पर्चे के। कितने घरों तक जाएंगे और कितने हम लोग पूरे दिल्ली में हम लोगों ने तय किया है कि कम से कम हम 100 घर प्रति बूथ में हम जाएंगे, तो कम से कम हम 13 लाख घरों में हम जाएंगे। और ये कम से कम का हमने टारगेट अपने कार्यकर्ताओं को दिया है और हम पूरी दिल्ली में इस पर्चे के साथ में लोगों को जाकर के हम एजुकेट करेंगे कि कैसे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और दिल्ली की जनता सफर कर रही है।